हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान झटपट में बनने वाली नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है ये फ्रेंड्स, और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी इसका प्यारा सा टेक्स्चर, कितना प्यारा आया है ना, बहुत ही यम्मी सा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान है। तो ये आप देख सकते हैं ना, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम एक कप आटा यहाँ पे ले लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच सूजी ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आप अपने अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पे डाली हूँ, उसके बाद अजवाइन थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाली हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे खूब सारा धनिया का पत्ता, हरी धनिया जो आता है ना मार्केट में, वो वाला आपको ले लेना है। तो अभी तो सर्दी आ गई है, तो अभी मतलब धनिया बहुत सारे आ रहे हैं, हरी धनिया। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल यहाँ पे डाली हूँ ना, उसको अच्छे से आपको इसमें मिला करके आपको मिक्स करना है, ताकि अच्छे से ये मिल जाए और अच्छा सा नाश्ता बन के रेडी होगा ऐसे। तो आपको ऐसे ही आपको मिक्स करना है फ्रेंड्स। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये नाश्ता है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं हटा ले रही हूँ, अलग रखूँगी उसमें से निकाल करके, जो मैं आपको आगे बताऊँगी उसमें क्या करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे एक डो लगाना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे डाल करके आपको, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे आपको गूंदना है। तो आपको एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है इसमें, ताकि अच्छे से ये एक डो के फॉर्म में आ जाए, आप देख सकते हैं ना। और बहुत ही सॉफ्ट सा आपको डो बनाकर रेडी करना है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ पे हम डो मतलब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक हम रेस्ट करने के छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का मैं आलू लेकर के यहाँ पे कद्दूकस कर ली हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 मिर्च हरी मिर्च यहाँ पे काट करके यहाँ पे डाल ली हूँ। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक, स्वाद अनुसार हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके बाद गरम मसाला थोड़ा ऐड करेंगे और साबुत जीरा यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेमन जूस यहाँ पे मतलब चटपटा देने के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपके पास आमचूर पाउडर हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं नींबू का रस निचोड़ के यहाँ पे डाली हूँ। उसके बाद अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हैं ना ये कितना चटपटा सा मतलब देखने में लग रहा है, और खाने में भी चटपटा सा ही है, बहुत ही यम्मी सा। तो आपको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और आप देख सकते हैं ना मैं हाथों से अब मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा सा ये बन के रेडी हो चुका है, ये फीलिंग है फ्रेंड्स, अंदर का फीलिंग मैं यह बनाई हूँ। उसके बाद जो मैं थोड़ा सा आटा मैं निकाली थी ना, वो मैं अब मतलब बताऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल करके आपको घोल मतलब बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा आपको बनाना है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी ऐड करके आपको घोल बनाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है, ताकि इसमें लंग्स नहीं पड़े, ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें लंग्स बन जाएगा, फिर आपको मतलब दिक्कत आ जाएगी ऐसे मतलब घोल बनाने में। तो आप देख सकते हैं ना ये कितना प्यारा सा घोल बन के रेडी हो चुका है, मतलब थोड़ा पतला ही आप कीजिएगा, ताकि ये जो सूजी है ना ये फूलता है तो बाद में वो गाढ़ा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर घोल पतला रखना है। उसके बाद जो मैं आटा लगाई थी उसको मैं 2 हिस्सों में यहाँ पर बाँट लूँगी, और अच्छे से इसको मसल लेंगे, और हम यहाँ पर एक लोइया जैसे जो रोटी बनाते हैं ना वैसे आपको बनाकर रेडी कर लेना है। तो 2 ऐसे ही बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चकला लेंगे, थोड़ा सा इसमें आटा लगाकर आपको बेलना है, रोटी जैसा जिसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे आपको बेल लेना है।
तो आपको मोटा नहीं बेलना है, बस मीडियम में, ना पतला हो ना मोटा हो, बस मीडियम में आपको बेलना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कैसे बेलना है, और बहुत ही अच्छे से ये मतलब हो जाता है। मतलब ये देख सकते हैं ना, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से बेल कर रेडी कर लेना है। तो एक मैं बेल ली हूँ, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही आपको उतना ही साइज को आपको बेलना है। ऐसा नहीं कि हाँ बड़ा छोटा हो जाए, आपको देख करके दोनों साइज एक मतलब एक बराबर करके आपको बेलना है। तो ऐसे ही करके ये देख सकते हैं ना, ये मतलब अच्छे से ये बेला चुका है, उसी तरीके से मैं बताई हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोमेटो केचप यहाँ पे डाल रही हूँ, और अच्छे से आपको चम्मच से चारों तरफ आपको लगाना है। आपके पास हरी चटनी हो तो भी आप इसमें लगा सकते हैं, और जो मैं फिलिंग बनाई थी ना, वो मैं अच्छे से इसको चारों तरफ यहाँ पे चम्मच से अच्छे से फैला देंगे, ताकि अच्छे से ये हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से हो गया। उसके बाद मैं दूसरा जो बेली हुई थी रोटी, वो मैं ऊपर से इसको हम कवर कर देंगे, और चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि ये मतलब फटे नहीं, निकले नहीं अंदर का फीलिंग। तो आप देख सकते हैं ना कैसे मैं यहाँ पे अच्छे से ये मतलब कवर हो गया है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ना मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, ये जो तीन कोन जैसा होता है ना, वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये कटिंग हो जाता है, ये कितना, और ऐसे कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा सेब आ जाता है, और ऐसे एक एक कटेंगे तो अच्छा सा सेब नहीं आएगा। तो ये देखिए क्या कितना प्यारा सा ये मतलब कटिंग हो गया है, बहुत ही अच्छे से हो गया फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे एक प्लेट में रख रही हूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये आपको देख रहे हैं ना, ये एक एक करके मैं सारे प्लेट में रख ली हूँ। तो चलिए मैं गैस की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले से ही कुकिंग ऑयल जो मैं है ना वो रेडी कर ली थी गर्म होने के लिए। उसके बाद जो मैं घोल बनाई थी उसको आप उसमें डीप करके तब आपको इसमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा ये बन के रेडी हो रहा है ना, बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम चीज़ों से आप बनाकर बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ऐसे ही करके आपको पलट लेना है अच्छे से, और यहाँ पे ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपको मीडियम फ्लेम करके आपको फ्राई करना है, नहीं तो हाई करेंगे ना तो ऊपर से क्या हो जाएगा कि वो लगेगा कि पक चुका है, अंदर से कच्चा रहता है। तो आपको ऐसे ही करके मीडियम में आपको मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ना ये कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा ये मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल रही हूँ, ये बन के रेडी हो गया। तो ऐसे ही करके हम फिर से यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ही करके आपको पलट लेना है, और बहुत ही फ्रेंड्स ये हेल्दी भी है, टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है ये नाश्ता, और बहुत झटपट बन के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लेट लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये बन के रेडी हुआ है, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, और आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है, आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा सा लग रहा है ना। तो यहाँ पे आप टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।